पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद की ओर से 20 अक्टूबर से रामलीला मंचन शुरू होगा। पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल और कोषाध्यक्ष मुकुल बंसल ने कहा कि रामलीला मैदान के रंगमंच पर 20 से 26 अक्टूबर तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के आदर्श और जीवन लीलाओं का मंचन होगा। डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल के निर्देशन और विकसित पंडित के सह निर्देशन में कार्तिकेय संस्था रामलीला करेगी। कोरोना महामारी के कारण रामलीला में 2 गज की दूरी का पालन कराया जाएगा। बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग और 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष की आयु के बड़े बुजुर्ग और कोई भी बीमार व्यक्ति को प्रवेश वर्जित रहेगा। रावण दहन महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के मैदान पर किया जाएगा। श्री राम राज गद्दी शोभा यात्रा शाम 5 बजे रामलीला मैदान से निकाली जाएगी। इसी दिन बरसाने की लठमार और फूलों की होली का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में मंत्री श्याम कृष्ण रस्तोगी, मुख्य संयोजक हरिगोपाल शर्मा, शरद अग्रवाल, श्याम मोहन अग्रवाल, मनोज व्यास, विवेक शर्मा, असीम अग्रवाल, शिव शरण अग्रवाल मौजूद रहे। द्वारा लाजपत नगर द्वारा ये राम कथा का भव्य आयोजन श्री पंकज द्रोपा द्वारा 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसके अंदर जो रामलीला कैसे होगी एक हमारे विचित्र प्रकार अलग प्रकार की होगी और ये एक नाट्य रूपांतरण के रूप में मनाई जाएगी और इसमें भारतवर्ष के और मुरादाबाद के बड़े दूर दूर के आए हुए जो कलाकार हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर। और रामलीला का जो मंच है हमारा भी नया बना है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस मंच के ऊपर इस लीला का मंचन कराया जाए और हम लोग जो है कोरोना को देखते हुए 2 गज की दूरी मास्क की दूरी इस उद्देश्य को लेकर के हम उचित प्रबंध किए हमने और ताकि पब्लिक को या किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जय जो दशहरे को मेला लग रहा है वो हमने श्री हरिश्चंद्र कॉलेज पे हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उसमें 2 गज की दूरी मास्क की दूरी उसका अनुपालन कराया जाए और उसके अंदर पब्लिक को मतलब हम लोग हिदायत भी दे रहे हैं कि मतलब जो संख्या है वो सीमित रहे, संख्या जो है सीमित रहे पब्लिक की, क्योंकि आप कैसे जो मार्केट बाजार लगता है उसको भी गवर्नमेंट ने अभी उसका परमिशन नहीं दी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।